नमस्ते दोस्तों, चलिए आज आप लोग को विक्टोरिया मेमोरियल दिखाते हैं। कुछ जो है ये फैमिली वाले कपल वाले सभी लोग आते हैं, स्कूल के बच्चे की लाइन लगी। दिसंबर महीना है, जनवरी दिसंबर में काफ़ी भीड़ होती है। और ये टिकट काउंटर है, ये टिकट काउंटर है, हम टिकट ले ले पहले। दोस्तों ये टिकट मिला है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के लिए, चलिए आपको दिखाते हैं। 30 रुपीज़ हम अकेले आए हैं, हमारे लिए 30 रुपीज़ ओनली। अगर आपको गार्डन देखना है तो गार्डन का 20 रुपीज़ है, अगर गार्डन विथ म्यूजियम देखना है तो 30 रुपीज़। तो ये है, चलिए फिर दिखाएं आपको, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। चलिए आगे से दिखाएं, ये देखिए लिखा है, हिंदी में भी लिखा है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में आपका स्वागत है। ये देखिए काफी सुंदर बना है, ये देखिए। इसके पहले हमने हॉस्पिटल का पीजी हॉस्पिटल, कलकत्ते का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, आप चाहे तो हमारा देख लीजिएगा। और फ्री हॉस्पिटल है, साफ सफाई नीट एंड क्लीन है। भगवान ने करे किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े, एक हमने बता दिया है, जैसे हम लोग राशन पहले से ही भरा लेते हैं। तो इसी तरीके से मतलब व्यवस्था जो मतलब जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग कोरोना उरोना के टाइम में कितना राशन असन जल्दी जल्दी भरा लेते थे, निकलने को नहीं मिलेगा या कुछ इस टाइप का। देखिए नीट एंड क्लीन, काफ़ी बड़ा और भी बनता चला जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये ब्रिटिश ज़माने का है। और बनता ही चला जा रहा है, वीडियो आप बना सकते हैं। काफी ये मतलब हमने इसलिए दिखाया कि बच्चों को लेके कभी भी अगर आए, बच्चों को लेके घूमने घामने के लिए है ये, थोड़ा पिकनिक के लिए, और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। फैमिली यहाँ, फैमिली कपल सभी लोग आते हैं। चादरे वादरे फैमिली आई है और टिफिन विफिन सब पैक करके लाए हैं। ये मतलब और सब लोग फोटो वगैरह क्लिप करते हैं, आप देख सकते हैं। हमने सोचा आप लोग को घुमाने के लिए थोड़ा सा पिकनिक स्पॉट और थोड़ा हॉस्पिटल इस टाइप का जगह भी दिखा दे रहे हैं बीच बीच में। अभी आप लोग को विंटर सीजन का जो शॉल वगैरह मिलता है वहाँ पे भी लेके जाएंगे स्वेटर शॉल के लिए। अभी आपको म्यूजियम भी दिखाएंगे सब विंटर सीजन के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। विद फैमिली सभी लोग खाना पीना लेके आए हैं, नाश्ता पानी सभी लोग खा पी रहे हैं। अभी ये सर्दी है ना, बंगाल में हर जगह लोग बहुत, बंगाल के लोग बहुत घूमने घामने और ये खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अब ये दिसंबर लगने, ये दिसंबर जनवरी ये सब सीज़न में फरवरी तक ही चलेगा पिकनिक ही पिकनिक और बहुत घूमना घामना। तो आप लोग को दिखाते रहेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हम भी देखिए यूपी के हैं, लेकिन हम जो है पूरी कोशिश करते हैं कानपुर कलकत्ते में एक एक चीज़ खोज के निकाल के आप लोग को दिखाने के लिए। म्यूजियम में भी घुमा दे आप लोग को, गार्डन का 20 रुपये है और 10 रुपये अगर आप म्यूजियम भी लेंगे, गार्डन विथ म्यूजियम लेंगे
30 रुपये। तो हमारा कहने का मतलब है आप गार्डन विथ म्यूजियम लीजिए, 30 रुपये जरूर पड़ेगा लेकिन आप सब चीज़ का इंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं म्यूजियम में भी काफ़ी चीज़। अपने आँखों से ना देखे तो अच्छा नहीं लगता है। वीडियो आप स्किप करके मत देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा दिखाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी। और थोड़ा आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा, सब सुंदर सुंदर फुहारे लगे हैं। अभी एक झील आपको और दिखाते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये पता है किस क्या पेड़ है? ये आलमंड का पेड़ है। ये देखिए, ये काफी आलमंड पड़ा है, ये आलमंड का पेड़ है। हमने सॉल्ट लेक में भी देखा था इस तरीके से। सब जगह जगह पे लिखा है नो स्मोकिंग। हर जगह कपल है, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। आज ठंड हवा है, बहुत ठंडी हवा है आज। कूड़ेदान में दान का इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं, हमको तो जमीन में ही फेंकना है, हमको गंदगी मचाना है। सब जगह जगह पे डस्टबिन है, लेकिन हम आज तक कोई चीज खा के इधर उधर फेंकते नहीं है। हम हमेशा एक प्लास्टिक रखते हैं, उसमें भर के रखते हैं, जहाँ कहीं कूड़े का डब्बा डस्टबिन दिखता है वहीं फेंकते हैं। देख रहे हैं ये टाटा स्टील वाले का है, ये म्यूजियम के लिए है, जा रहा है। चलिए, बहुत सुंदर गार्डन है, देख सकते हैं। एक फैमिली आई है हिमालय वैष्णव, हाँ, वैष्णव टूरिज्म। अच्छा, हाँ, ये वो मतलब वो लोग लेके आए हैं, हाँ, मतलब टूरिस्ट लोग को लेके आए हैं उदयपुर से। ये देखिए, सब येलो कलर की टोपी है पूरा, और भी बहुत पीछे भी हम देख रहे हैं, बाहर से घूमने आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेलकम टू माई कोलकाता वेस्ट बंगाल। थैंक यू। हाँ, अच्छा लगेगा, बहुत जगह घूमने के लिए है कलकत्ता, बहुत। अरे काली घाट नहीं, अब बहुत दूर 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 बहुत जगह है घूमने का, घूमिए पूरा। मतलब सोने का टाइम नहीं है, पैसा वसूल लिए, इतना सारा पैसा लिया टूरिस्ट वाले ने, पैसा निचोड़ के लीजिए, जाइए घूमिए। हाँ, अच्छा जी, टाटा। देखिए, सब घूमने आए हैं। ये बात बिल्कुल सच है, जो कोई कलकत्ते में रहता है उसी को पता चलेगा, ये मतलब आपको समय नहीं मिलेगा, इतना जगह है घूमने के लिए। मतलब धर्म स्थल से लेके और आपको मतलब पिकनिक स्पॉट से लेके हर जगह फॉरनर तक की आते हैं। आप देख रहे हैं, फॉरनर तक की आते हैं। अभी हम इससे पहले नारायण मंदिर गए थे झोका में, वहाँ पे भी बहुत फॉरनर आए थे। काफी बड़ा है, कितना भी काटेंगे देखिएगा कितना, वीडियो एडिट करते वक्त देख रहे कितना खूबसूरत। ये येलो कब येलो कैप लगा के आए हैं, ये देखिए चाचा चाची अपना बढ़िया फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। सब उदयपुर से आए हैं, राजस्थान उदयपुर है, उदयपुर। हाँ, चलिए, अच्छा है, ये है बढ़िया। अब इस समय रिटायर हो गए हमारे सब भाई साहब भाभी जी। अब देखिए पूरे ग्रुप आए हैं, देख रहे, भारत में ही इतने सुंदर सुंदर चीजें हैं, हैं मेरे भारत महान। जय हिंद, भारत माता की जय हो। भारत में ही इतनी सुंदर सुंदर जगह है, देख रहे हैं हम।
चलिए पीछे वाला भी आपको दिखा दे, उनके बच्चे काफी आए हैं, उनके साथ जो हेड है देख रहे, सीसीटीवी कैमरे में निगरानी है। फूल पत्ती कुछ मत ही तोड़िएगा, भूल से भी फाइन लग जाएगा। यहाँ पे विक्टोरिया के बहुत सारे गेट है, देख सकते हैं आप। जय हिंद सर जी। ये बैग रूम है, काउंटर सेल है, ये देखते हैं। ये जो भी बैग एग रहता है, आप अगर मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, ये बगली में पीजी हॉस्पिटल, बहुत से लोग होते हैं ना कि पेशेंट के साथ आए हैं तो वो अपना घर जाएंगे, तो जैसे पेशेंट है हॉस्पिटल में, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ से घूम के जाते हैं, या बाहर के लोग होते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं उनका, जैसे आज टिकट है, आज मतलब रात की टिकट है 11 बजे की, 10 बजे की रात के ट्रेन की, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से बैग वैग रख के घूम के यहाँ से गाड़ी मतलब टैक्सी ऑटो जो भी है अपना लेके घर फिर रवाना ट्रेन के लिए, फ्लाइट के लिए हो जाते हैं। वो ब्राउन कलर के भाई साहब त्रिपुरा से आए हैं। स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं और फूल तोड़ना मना है, और आप पेट्स जानवर कोई पालतू लेके आ रहे हैं वो मना है, जॉगिंग के लिए मना है, कुत्ते पंछी मछली आदि को खिलाना सख्त मना है, और ये सब चीज़ें लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। तालाब के किनारे बैठना मना है, फ्लाइंग डिस्क खेलना मना है, मतलब प्लेइंग विथ फ्लाइंग कोई भी मतलब खेलने वाला होता है, रिंगिंग मना है, फिल्म की शूटिंग करना मना है। बहुत से यूट्यूबर होते हैं ना, सोचते हैं यहाँ जाए शूटिंग करके, सब मना है, सख्त मना है, ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, जगह जगह पे गुप्त कैमरे लगे हैं। देख रहे हैं सब जनरेटर वगैरह है, वगैरह लगा के सजाया है, सुंदर म्यूजियम है। साफी का दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं तो हम पढ़ के कुछ बता सकते थे। अब टिकट यहीं समाप्त हो जाएगा, इसीलिए हमने लास्ट म्यूजियम को पकड़ा, हमें पता है। ये दोस्तों ये विक्टोरिया मेमोरियल जो इकट्ठा बना हुआ है, हमने गार्डन दिखा दिया, अब जो है मेमोरियल के लिए दूसरा वीडियो आ रहा है। नमस्ते, आप लोग सब लोग हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहें, यही वीडियो समाप्त करते हैं।